नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 2017 का सिलेबस आ चुका है। तो सर इसमें देखना क्या है कि इसमें आपका सिलेबस किस टाइप का है। तो इसमें आपके चार पेपर होंगे, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 25-25 नंबर के होंगे और आपके पास 100 क्वेश्चन होगा। इट मीन्स क्या, आपके पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। जो आपकी ये टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, इट मीन्स 1 घंटे 30 मिनट का होगा। और सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे। इसमें क्या है कि लेखपाल विल बी अनाउंस बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। इट मीन्स क्या, जो आपकी वैकेंसी निकलने वाली है वो आपके सारे ऑब्जेक्टिव लेवल के होंगे, कोई भी थ्योरी नहीं होगा, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पे ही देना होगा। दोस्तों इसमें क्या है कि जो भी है आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपका इसमें जनरल हिंदी है, तो जनरल हिंदी में आपका क्या क्या सिलेबस है, अलंकार हो गया, रस हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और जो आपका मैथ का है, तो मैथ में आपको क्या है कि इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में क्या, आपका नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। और इसमें आपका थर्ड जो है वो अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जियोमेट्री में हो गया जिसमें ट्राइंगल हो गया, पाइथागोरस हो गया, प्रमेय हो गया, ठीक है, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया। अलजेब्रा में आपको एलसीएम, एचसीएफ, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ना हो गया। और इसमें आपका एरिया ऑफ थ्योरम, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ठीक से ठीक और जल्द से जल्द तैयार कर लो। और बाकी आपका आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वैसे भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ सिलेबस में क्या क्या है। जैसे जनरल हिस्ट्री, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है, नेशनल, ठीक है, और इंटरनेशनल जो आपको करंट अफेयर होते हैं वो पढ़ना होता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आता है, इकोनॉमिक्स के बारे में आता है, वर्ल्ड की जियोग्राफी, पॉपुलेशन हो गया, इन सब चीज़ों आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें आप जल्द से जल्द तैयार करिए। और ये आपका जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इसमें आपको फोकस करना होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको पढ़ना होगा, ये सब चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। और बाकी जैसा कि सिलेबस लिखा हुआ है कि इसमें इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है। फोकस विल बी ऑन नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। और जो आपका लास्ट वन फोर्थ है वो विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इट मीन्स ग्राम समाज एंड विकास। तो ग्राम समाज एवं विकास में क्या पढ़ना होता है कि विलेज डेवलपमेंट इज़ रिस्पेक्टेड ऑफ इंडिया, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या कैसे किया जाता है, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट रिसर्च, इसका रिसर्च क्या क्या आता है, विलेज हेल्थ स्कीम क्या है, विलेज सोशल क्या है, डेवलपमेंट क्या हो गया इसका। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़नी होती हैं कि एक गांव की विकास कैसे किया जा सकता है, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को आपको देखा जाता है। तो वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स लग जाती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है स्कीम गांव के डेवलपमेंट के लिए। उसमें आदर्श ग्राम योजना हो गया, कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट स्कीम हो गया, ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो गया, अन्नपूर्णा योजना हो गया। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, इंदिरा आवास योजना हो गया, ये सब चीज़ें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाती हैं, तो इसमें भी आपको देखना होता है। अब कुछ स्कीम होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं विलेज के डेवलपमेंट के लिए, क्या होता है, किसान पेंशन योजना हो गया, किसान शक्ति योजना हो गया, अम्बेडकर प्रोजेक्ट कृषि सुधार योजना हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, जैसे कन्या विद्या धन योजना हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है टॉपिक बाई टॉपिक, इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से होगा। दोस्तों जहाँ तक कि सुनने में भी आ रहा है कि इस बार जो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटन बेस पे होगा, और इसमें जो पहले होता है कि इंटरव्यू होता है, पहले तो हमारा था कि पहले 10 नंबर का इंटरव्यू हो गया, 20 नंबर का इंटरव्यू हो गया, तो वो इंटरव्यू सिस्टम शायद इस बार खत्म कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ऑफिशियल नहीं आई है, जैसे भी ऑफिशियल जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल में मिलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।